बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूज। तो कंसीडर करते हैं कि ये कोई वाटर की पाइपलाइन है और जहाँ पर ये आपका एक टैप लगा हुआ है, वाटर टैप, और जो ये इनिशियली क्लोज्ड है, ओके, और जहाँ पर हाई प्रेशर पर वाटर फील्ड है, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर पर वाटर फील्ड है। जैसे ही आप इस टैप को ओपन करते हैं, वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी मैं बोलूं कि इनिशियली वाटर करंट बहुत ज़्यादा होगी और आफ्टर सम टाइम ये वाटर करंट नॉर्मल हो जाएगी। आप देखते भी होंगे, जैसे घर पर आप टैप को ओपन करते हैं तो इनिशियली वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो होगा और उसके बाद में ये वाटर करंट आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें देखनी है। मैंने कंसीडर किया कि ये आपका हाई पोटेंशियल पर कोई पॉइंट है और ये आपका स्विच है, ओके, और जहाँ पर एक आपका फ्यूज वायर लगा हुआ है और आगे क्या है आपका, कोई ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा है, और फाइनली ये आपका लो पोटेंशियल का पॉइंट है, ओके। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो आपका चार्ज एलिमेंट हैं, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हाई प्रेशर पर हैं, यानी जैसे यहाँ पर वाटर हाई प्रेशर पर है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाई प्रेशर पर हैं। जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं, यानी जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, तो हायर अमाउंट ऑफ करंट, कुछ मिली सेकेंड के लिए बेटा बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी, जो कि इस फ्यूज वायर से होते हुए इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक जाएगी। अगर फ्यूज वायर हमने केबल रेटेड करंट के लिए डिजाइन किया है, जिसकी वैल्यू आपकी पी अपॉन वी के इक्वल होगी, तो फ्यूज वायर जो करंट आपकी फ्लो हो रही है सम मिली सेकेंड के लिए, दैट इज़ द हायर अमाउंट ऑफ करंट, तो ये फ्यूज वायर आपका मेल्ट हो जाएगा। यानी ये फ्यूज वायर अगर हम केवल रनिंग करंट के लिए या रेटेड करंट के लिए डिजाइन करें, तो ये फ्यूज वायर जो सडनली आपकी हायर अमाउंट ऑफ करंट आएगी, उससे ये मेल्ट हो जाएगा। तो हमेशा जो हम फ्यूज वायर को डिजाइन करेंगे, दैट इज ऑलवेज मोर देन द रेटेड करंट। यानी वो जो करंट होगी, जो आपकी जो हायर अमाउंट ऑफ करंट है, वो बेटा रेटेड करंट से, यानी जो रनिंग कंडीशन में करंट है, उससे ज़्यादा होगी। लेकिन ये करंट बेटा 1 or 2 millisecond के लिए होगी, यानी सडनली करंट तेज़ी से आएगी और उसके बाद में करंट आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो यही रीज़न है जो आपकी बुक में टेबल दी हुई है, जिसमें अलग अलग आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए फ्यूज वायर जो है रेटेड करंट से ज़्यादा है। तो जो रेटेड करंट है बेटा, वो कम थी आपकी, और जितने भी आपके अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिए हुए हैं, वहाँ पर जो फ्यूज वायर डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपकी रेटेड करंट से ज़्यादा डिजाइन किया हुआ है। तो यही रीज़न है, हमेशा जनरली जो फ्यूज वायर हम डिज़ाइन करेंगे, वो रेटेड करंट से, यानी जो रेटेड करंट है आपकी, या जो रनिंग कंडीशन की करंट है, या जो नॉर्मल करंट है, उससे 20-25% मोर करंट के लिए हम फ्यूज वायर को डिजाइन करेंगे, ओके?